नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। जमीन खरीदना आसान बात नहीं होती है, इसकी रजिस्ट्री करवाने में खूब माथापच्ची करनी पड़ती है, क्योंकि लाखों की संपत्ति खरीदने का मामला थोड़ा तो पेचीदा होगा ही। रजिस्ट्री कराने की पूरी प्रक्रिया में काफी भागदौड़ करना पड़ता है। जमीन की वर्तमान स्थिति के साथ ही उसके इतिहास का भी पता करना पड़ता है। रजिस्ट्री की प्रक्रिया में कोर्ट वकील के भी चक्कर काटने पड़ते हैं, तो वहीं साथ में विश्वासी गवाह को भी तैयार करना पड़ता है। ऐसे बहुत सी बातें रजिस्ट्री से जुड़ी होती है जो आमतौर पर लोग नहीं जानते हैं। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको जमीन या फिर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि अगर आप भी जमीन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या भविष्य में खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आप इस प्रोसेस से अच्छे तरीके से परिचित हो जाएं। सबसे पहले तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से प्लॉट को ढूंढें। आप दो तरीके से प्लॉट को ढूंढ सकते हैं। आप या तो सीधे जमीन के मालिक से मिल सकते हैं, या फिर आप किसी प्रॉपर्टी डीलर की हेल्प ले सकते हैं। इन दोनों तरीकों में फर्क यह है कि जमीन के मालिक को सिर्फ प्लॉट की कीमत चुकानी पड़ती है, जबकि प्रॉपर्टी डीलर को खरीदी गई जमीन की कीमत के साथ ही उनका कमीशन भी चुकाना पड़ता है। कमीशन से बचने के लिए पहले वाला तरीका अपनाना सही रहेगा। इसके बाद आपको यह चेक करना है कि बेचने वाले व्यक्ति के पास जमीन बेचने का अधिकार है या फिर नहीं। इसके लिए जमीन के कागजात देखिए और सेलिंग राइट को देखिए। और अगर बेचने वाला आदमी उस जमीन का मालिक नहीं है, तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी देखिए। आप डॉक्यूमेंट्स और पावर ऑफ अटॉर्नी की एक फोटोकॉपी मांग कर रख लीजिए। इसके बाद आप उस इलाके के आसपास के लोगों से पता करें कि जो जमीन आप खरीदने वाले हैं, उस पर कोई केस तो नहीं चल रहा है ना। अब रजिस्ट्री करने की बारी आती है। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी के दो रेट होते हैं, सरकारी रेट और सेलिंग रेट। रजिस्ट्री के वक्त जब स्टाम्प लगते हैं, तो यह सरकारी रेट के हिसाब से ही लगते हैं। सरकारी रेट अधिकतर कम ही होते हैं, जबकि सेलिंग रेट ज्यादा होते हैं। अब बात पेमेंट की करते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि रजिस्ट्री से पहले ही ज्यादातर लोग पूरा पेमेंट कर देते हैं। ऐसे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हालांकि पेमेंट को चेक या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से करना सबसे ज्यादा सही होता है। इसलिए पेमेंट को आप कैश के रूप में ना ही करें तो ही बेहतर होगा। साथ ही जो भी पेमेंट कर रहे हैं, उसे लिखकर सेलर और दो गवाहों के सिग्नेचर करवा लें, ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम होने पर इसे एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब के बाद आपको रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट तैयार करना है। इसमें प्लॉट बेचने वाले सेलर की फोटो और पहचान प्रूफ, खरीदने वाले की फोटो और पहचान पत्र के साथ ही आपके दो विश्वासी गवाहों की फोटो और पहचान पत्र लगेगी। साथ ही साथ खरीदने वाले का प्लॉट के साथ एक फोटो भी चाहिए। अब आप एक तारीख को फिक्स करें, जिसमें आपको सेलर और दो गवाहों के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होगा। वहां पहले किसी वकील को हायर कर ले। वह वकील ही रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगा और उस पर जमीन की सरकारी कीमत के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी लगाएगा। इस काम में 1 से 2 घंटे काफी है। इसके बाद आप तैयार हुए डॉक्यूमेंट्स, दो गवाहों और सेलर के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस जाएं। वहां आपको 3 काउंटर में जाना होगा। पहले काउंटर में वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसमें सेलर, गवाह और खरीदने वाले से जमीन के मालिकाना हक और पेमेंट इत्यादि के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। वहां आपको सरकारी रेट ही कीमत बतानी होगी। जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी 10 लाख में खरीदी है और उसका सरकारी रेट 4 लाख है, तो कीमत 4 लाख ही बताना होगा। इसके बाद दूसरे काउंटर पर सभी के फिंगरप्रिंट्स और आई स्कैन लिए जाएंगे। इसके बाद पेपर्स को तीसरे काउंटर में जमा करके सिग्नेचर कर दिया जाता है, जिसके कुछ दिनों के बाद आपको प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। यानी अब उस जमीन की रजिस्ट्री आपके नाम हो जाती है और आप उसके मालिक हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।